नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 जून गुरुवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। जोधपुर में एक व्यापारी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार स्नेहिल गार्डन के पीछे कबीर नगर में व्यापारी नरेश का गोदाम है, जिसमें व्यापारी नरेश ने कपड़े का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने सूरसागर पुलिस को इस संबंध में सूचना दी। पुलिस ने मर्ग दर्ज करने की कार्रवाई की। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। भरतपुर जिले के क्षेत्र के वन संरक्षित और खनन प्रतिबंधित क्षेत्र के पहाड़ों में अवैध खनन को लेकर वन कर्मियों की मिलीभगत की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उप वन संरक्षक बी केतन कुमार ने कामा रेंज कार्यालय में कार्यरत 2 वन कर्मियों का तबादला कर दिया है। आदेश के अनुसार कामा रेंज कार्यालय में कार्यरत सहायक वनपाल कृष्ण कुमार चाहर को बयाना, वन माली पद पर कार्यरत राम सिंह को नदबई रेंज में तबादला किया है। भीलवाड़ा जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ एक मंदिर में दिन दिहाड़े मंदिर का दान पात्र तोड़कर चोर नकदी ले गए। जानकारी के अनुसार मांडल थाना क्षेत्र के बदाली खेड़ा गांव में एक मंदिर में दान पात्र तोड़कर चोरी कर भाग रहे चोरों को एक बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए और ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी टक्की उर्फ भंवर सिंह निवासी बडली अजमेर को गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ कर अन्य आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सीकर पुलिस ने पति की हत्या करने वाली पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गत दिवस दो थाना में फैरूपुरा गांव में पति द्वारा नाबालिग साली का रेप करने के प्रयास किया गया, जिसके बाद पत्नी ने पति को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर दिया है। दो थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भरतपुर में आपसी लेन देन को लेकर पुलिस चौकी ऊंचा नगला पर आपस में मारपीट पर उतारू 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल राजकुमार ने बताया कि करीब 30,000 रुपए के लेन देन को लेकर इंद्रजीत और अन्नू नामक युवक पुलिस चौकी ऊंचा नगला पर एक दूसरे की शिकायत लेकर आए। इनके साथ अरविंद व बंसी भी आए थे। ये लोग पुलिस के सामने ही एक दूसरे के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। इस पर इंद्रजीत जाट, अन्नू जाट, अरविंद जाट व बंसी जाट को गिरफ्तार कर लिया। चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे के मेगा हाईवे पर लिंक रोड टी पॉइंट के पास देर रात वाहन की टक्कर से 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार युवक अपने ननिहाल रतनगढ़ में रहता था। श्यामलाल पुत्र मांगीलाल निवासी मांडला फतेहपुर बाइक पर खेत से घर जा रहा था। टी पॉइंट के पास किसी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। उस युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दौसा जिले के नैहना का तिबारा के पास एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर साक्ष्य जुटाए गए। मृतक की पहचान गीजगढ़ निवासी सोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया हादसे की आशंका जताई है। उद्योगों की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला ऑटोमोबाइल सेक्टर फिर से पटरी पर लौट आया है। अलवर जिले के भिवाड़ी शहर में खुशखेड़ा स्थित होंडा टू व्हीलर में ने अपना काम शुरू कर दिया है। करीब 70 दिन बाद कंपनी के खुशखेड़ा प्लांट में बाइक बनना शुरू हो गई है। 4 व्हीलर यूनिट में ऑटो पार्ट्स भी बनने लगे हैं। कंपनी अगले सप्ताह से कारों का उत्पादन आरंभ कर देगी। 2 व्हीलर प्लांट पर जहाँ 4500 लोग काम करते हैं, वहीं 4 व्हीलर में करीब 6000 लोग काम करते हैं। लॉकडाउन के बाद इन दोनों ही कंपनियों में काम बंद करना पड़ा था। अब प्लांट पूर्ण क्षमता पर कार्य करने लगे हैं। बांसवाड़ा जिले में राशन डीलरों के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। राशन डीलरों ने गरीबों के लिए आई रसद सामग्री भी हड़प ली। अप्रैल में जरूरतमंदों का गेहूं उठा लिया, अप्रैल मई में केरोसिन का गबन किया। अभी तक विभाग में जांच चल रही थी। इस बीच अब चीनी घोटाला भी सामने आया है। 314 राशन डीलरों ने अप्रैल मई में 34,538 किलो चीनी का गबन किया। मौजूदा कीमत के हिसाब से 13,81,520 रुपए की चीनी इस महामारी में डीलरों ने गलत तरीके से उठा ली। चौंकाने वाली बात यह है कि रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में गड़बड़ी पकड़ में नहीं आई। राजधानी जयपुर में एक विवाहिता की अश्लील फोटो फेसबुक पर पोस्ट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यह घटना मालपुरा गेट थाना इलाके की बताई जा रही है। परिजनों ने थाने में एक अज्ञात युवक के खिलाफ थाने में दर्ज मुकदमे में बताया कि युवक ने विवाहिता की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर डाली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.